यीशु आज की सुबह अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे दिलों में हमारे जीवनों में आप एक अद्भुत कार्य करो, ये हमारी प्रार्थना है। अपने पवित्र आत्मा के चलन के द्वारा होने दे कि हमारे जीवन में एक परिवर्तन आने पाए। हम जिस प्रकार से हम यहाँ आए हैं उसी प्रकार से हम लौटे ना, परंतु बदले हुए परिवर्तित रीति से हम यहाँ से जाने पाए। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, धन्य हो प्रभु यीशु, तेरा नाम धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। हालेलुया, ताली बजा के उसकी महिमा करेंगे। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता
सबसे महान है, ईश्वर अद्भुत है। हालेलुया। मेरी हर जिंदगी की परेशानी में, हर खुशी में वो मेरे साथ रहने वाला परमेश्वर है। वो मुझे अपने हाथों में रखकर हर एक मुसीबतों से बचाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और हमें उस स्वर्गीय स्थानों में ले जाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसकी महिमा करेंगे, उसके नाम को ऊंचे पर उठाएंगे। तू मिल जाए तो मिट जाए।
यीशु मसीह की हो जय। यीशु मसीह की हो जय। यीशु मसीह की हो की। सच में वो परमेश्वर, उसका प्यार अद्भुत है, सागर से भी गहरा है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और उसकी महिमा करें, उसके प्यार के लिए, उसके बलिदान के लिए उसको धन्यवाद दें और उस बात को कहें, प्यार है तुझसे ही प्यार। तुझसे प्रभु प्यार है, तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु। Yeah,
से ही प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु। प्यार है क्योंकि तू बहार है, तू ही अद्भुत है, तू ऊंचा है, तू प्रभु है। क्योंकि तूने हमसे पहले प्यार किया, तुझसे प्यार है मुझे। आइए इस बात को यीशु से कहे, यीशु आज की सुबह मैं तुझसे प्रेम करता हूं, पूरे हृदय से, पूरी आत्मा से। हर एक परिस्थिति में हो सकता है आज की सुबह हमारा प्यार कम हो रहा हो, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम इस बात को कहना चाहते हैं कि हमारा प्यार आज की सुबह आप में और अधिक बढ़ जाए, और अधिक बढ़ जाए। क्योंकि परमेश्वर आप ही तो परमेश्वर हैं, आपने इसीलिए हमें रचा है यीशु, कि हम आपकी आराधना कर सके और आपके प्यार में हम बढ़ सके, आपके प्यार में दिन रात मगन रह सके। क्योंकि हम जानते हैं यीशु हमसे कोई इतना प्यार नहीं कर सकता कि अपने प्राण को ऐसी मृत्यु द्वारा जो असहनीय है तूने हमारे लिए दे दिया, सिर्फ उस प्यार की वजह से। इसलिए पिता हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं और इस बात को कहते हैं, सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है भी नहीं, उठने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, जब मैं
परमेश्वर की ओर है। होने दे हमारे दिल आज की सुबह उसके साथ एक होने पाए। आइए हम अपने हाथों को उठा करके जब हमारी आंखें बंद हैं उसकी आराधना में खो जाएं, उसकी स्तुति उसकी प्रशंसा में खो जाएं, क्योंकि वो प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, परमेश्वर, सबसे ऊंचा परमेश्वर, सबसे महान परमेश्वर, सच्चिंदा खुदा यहोवा है। हालेलुया। हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला, उनका जवाब देने वाला, महिमा से भरा हुआ परमेश्वर। हालेलुया। आइए अपनी आवाजों को उठा करके आज की सुबह हम उस परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अपनी दया और करुणा से वो हमें हर दिन नया दिखाता है, ढाल बन करके हमें बचाता है। मेरे प्रिय, जब आप अपने उन घरों से बाहर निकलते हैं वो आपसे पहले आपकी ढाल बन करके निकल आता है, क्योंकि उसका वचन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। और इस दोपहर का तेज या ये रोशनी और वो रात का जो तेज है वो तुम्हें छूने नहीं पाएगा, क्योंकि वो यहोवा हमारे साथ है। मेरे प्रियो, क्यों ना इस क्षण लेकर के हम उस यहोवा का आराधना करें अपने यहोवा के लिए, क्योंकि सारा आदर, सारा महिमा, सारा प्रशंसा, सारा जलाल के योग्य परमेश्वर वही है। उसके समान न कोई था, न कोई है और न कभी होगा। वो स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसका आसन है, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों में सबसे महान परमेश्वर, हमारे जीवनों पर राज करने वाला, हमारे जीवनों को बदल देने वाला, उद्धार देने वाला, अपनी दया और करुणा से हमारे दिलों को भरने वाला परमेश्वर है। Hallelujah. Praise the Lord. It is nice to see you all in the house of the Lord rejoicing and worshiping God. और आज सुबह आप सबको परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की स्तुति करते हुए, आनंदित होते हुए देख के खुशी हो रही है। Before the service I met a young man by the name of Samuel. Samuel, is it you? और सभा से पहले मैं एक जवान व्यक्ति से मिला जिनका नाम सैमुअल है। He has come all the way from Kerala to do election duty. और आप केरल से आए हैं यहाँ पर इलेक्शन के ड्यूटी के संबंध में। And he finished his duty in UP. Now the next duty will be in Bihar next week. This week. और यूपी में इनका ड्यूटी समाप्त हो गया है, अब आने वाले हफ्ते में बिहार जा रहे हैं। So praise the Lord for his life and for his परमेश्वर का धन्यवाद हो उनके जीवन के लिए, उनके गवाही के लिए। There anyone sitting and worshiping with us for the very first time? क्या कोई ऐसा यहाँ बैठा है जो पहली बार इस कलीसिया में आए हो? आप लोग खड़े हो जाएं। देखिए बहुत लोग हैं आज। प्रेज गॉड। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत है। और मीटिंग के बाद आप आके आकर
इधर पास्टर लोग हैं, इनसे मिलिए और अपने आप को परिचित करें. प्रेज गॉड, गॉड ब्लेस यू. परमेश्वर आपको आशीष दे. यू आर इन द बेस्ट प्लेस दिस मॉर्निंग. आज की सुबह आप सबसे उत्तम स्थान में हैं. द प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति में हैं. ही लव्स यू. परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं. ही हैज अ प्लान फॉर ब्रिंगिंग यू हियर दिस मॉर्निंग. और परमेश्वर के पास एक योजना है आपको इस स्थान में लाने के लिए. दिस मॉर्निंग आई लाइक टू रीड अ पैसेज फ्रॉम द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 16. और आज की सुबह मती रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय से हम पढ़ेंगे. वी शैल रीड फ्रॉम वर्स 16 to 21. 16वें आयत से 21 आयत तक हम पढ़ेंगे. मती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 16 पद से 21 पद तक. Did you find? Yeah. Why don't you turn around and read? Amen. The Bible is not written for unbelievers. और ये बाइबल जो है ये अविश्वासियों के लिए नहीं लिखा गया है. And if unbelievers read it, they won't even understand. और जो विश्वासी नहीं है अगर वो इस बाइबल को पढ़ेंगे वो उसको समझ नहीं पाएंगे. But still we give New Testament to unbelievers. लेकिन फिर भी हम नए नियम को ऐसे लोगों को बांटते हैं. बिकॉज गॉड्स वर्ड इज अलाइव, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है. इट इज इंस्पायर्ड बाय द होली स्पिरिट, और पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित है. बट नो वन कैन डिस्कवर गॉड और अंडरस्टैंड गॉड अनलेस द होली स्पिरिट रिवील टू दैट पर्सन. लेकिन कोई भी मनुष्य परमेश्वर को खोजने नहीं पाएगा जब तक पवित्र आत्मा उसे प्रकट ना करे. That is why the Holy Spirit is given to us. Among all his ministries, one of the most important ministries of the Holy Spirit is that he will teach us and lead us into the truth of God's word. और इसी कारण से पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, क्योंकि उनके सेवकाइयों में से एक सेवकाई यही है कि पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा परमेश्वर के वचन के सत्य में और इसके गहराई में. Now the Holy Spirit is the third person in the Holy Trinity. पवित्र आत्मा जो है वो त्रिएक परमेश्वर के वो तीसरे व्यक्ति है. So he has come from heaven. So वो स्वर्ग से आए हैं. So why should the Holy Spirit has to come all the way from heaven to teach us? So क्यों जरूरत है कि पवित्र आत्मा स्वर्ग से आए हमें सिखाने के लिए? Because what he teaches are not earthly things. क्योंकि जो कुछ पवित्र आत्मा हमें सिखाते हैं वो इस संसार के नहीं है. Any earthly person can teach about earthly things. कोई भी सांसारिक व्यक्ति जो है इस संसार के विषय को लेकर कुछ भी सिखा सकता है. And an earthly person can understand. और एक सांसारिक व्यक्ति उसको समझ भी सकता है. But the Bible, लेकिन जो बाइबल है नॉट अर्थली थिंग्स, ये सांसारिक बातें नहीं है. बाइबल डिस्क्राइब्स ऑल हेवनली थिंग्स. बाइबल में सिर्फ स्वर्गीय बातों के विषय में वर्णन किया गया. देयर आर अर्थली मैटर्स डिस्कस्ड एंड एक्सप्लेन्ड हियर. और
बाइबल में इस पृथ्वी से संबंधित बहुत सी बातें लिखे गए हैं। Jesus himself used many parables taken from everyday earthly life। और यीशु मसीह ने स्वयं ऐसे दृष्टांतों को दिया है जो प्रतिदिन के जीवन में हम उसको अनुभव करते हैं। Like the sower going to sow the seed। और जैसे कि एक बीज बोने वाला वो जाता है बीज को बोने के लिए। And while he was sowing, some fell on the pathway। और जबकि वो बो रहा था कुछ उस बीज जो है वो रास्ते में गिरे। Some upon the rock। और कुछ चट्टान के ऊपर। And some upon among the thorns and thistles। और कुछ बीज जो है वो कि वो कांटों के बीच में गिरे। And some fell upon good soil। और कुछ बीज जो है वो अच्छे भूमि में गिरे। That is something earthly things that an earthly person does। So ये एक ऐसी बात है जो एक सांसारिक व्यक्ति करता है। That we understand। और इस बात को हम समझते हैं। But the lesson Jesus was teaching। लेकिन जो पाठ यीशु मसीह हमें सिखाना चाह रहे हैं। Was not earthly। वो सांसारिक बात नहीं है। That nobody can understand unless it is explained to us and revealed to us। और वो बात हम समझ नहीं पाएंगे जब तक कि हमें प्रकट ना किया जाए और समझाया ना जाए। God can be discovered only through a revelation। और परमेश्वर सिर्फ एक प्रकाशन के द्वारा हम उसको समझ सकते हैं। Neither can our mind, natural mind, can understand God। और न हमारा स्वाभाविक ये मन परमेश्वर को समझ सकता है। That's why when many people who are not in the Lord read this word, they get so bored because they don't understand। और इसी कारण से जो लोग प्रभु में नहीं है वो जब इसको पढ़ते हैं वो बोर हो जाते हैं। Now in the same way, उसी प्रकार, unless the Holy Spirit lead us into the truth of the passage we read today, जब तक पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई नहीं करे और हमें समझाए नहीं जो सत्य इसमें लिखे गए हैं, you will not understand the meaning of this passage। हम इन बातों के अर्थ को समझ नहीं पाएंगे। What do you understand? हम क्या समझते हैं? I will make it simple। मैं साधारण शब्दों में बताऊंगा। Peter received three mighty revelations concerning Jesus Christ in this passage। और पत्रस को इस भाग में हम पाते हैं कि उनको तीन महान प्रकाशन मिले यीशु मसीह के विषय में। I am going to give you 2 minutes to read for yourself। और 2 मिनट में आपको देता हूँ कि आप इसको स्वयं पढ़ लें। Read it one more time। एक बार फिर आप इसको पढ़ लें। Because and by the help of the Holy Spirit, और पवित्र आत्मा के सहायता के द्वारा, try to see these revelations। आप देखें कि ये प्रकाशन क्या है। There are 3 revelations concerning Jesus। तीन ऐसे सत्य है यीशु मसीह के विषय में। It doesn't take more than 2 minutes for you to read। 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए आपको पढ़ने में। All of you read? सबने पढ़ लिया? Okay, now listen to me। अब ध्यान से सुने। What are these 3 revelations Peter received concerning the person of Jesus? वो कौन से 3 प्रकाशन है जो पत्रस को मिले यीशु मसीह के विषय में? Please understand this। इस बात को समझ ले। One of the reasons why the Holy Spirit is sent from heaven is that he may teach us। और एक कारण जिस कारण से पवित्र आत्मा स्वर्ग से भेजे गए हैं कि ताकि वो हमें सिखाए। सो द होली स्पिरिट इज अ डिवाइन टीचर। सो पवित्र आत्मा जो है वो दैवीय एक शिक्षक है। व्हाट इज द होली स्पिरिट? पवित्र आत्मा क्या है? हु इज ही? वो कौन है? ही इज अ डिवाइन टीचर। एक दैवीय एक शिक्षक है। एवरीबॉडी से दैविक शिक्षक। हु इज द दैविक शिक्षक? वो कौन है? पवित्र आत्मा। Now why we need a divine teacher? और हमें क्यों आवश्यक है एक दैवीय शिक्षक का? Because we are dealing with the divine things। क्योंकि हम स्वर्गीय बातों के से संबंधित रखते हैं। And a worldly man has no idea about this divinity। और सांसारिक मनुष्य को इन दैवीय बातों से कुछ
उसको समझ में नहीं आता है. He doesn't understand. Even the simplest thing in the Bible, he doesn't understand. और बाइबल के जो साधारण से चीजें हैं वो भी नहीं समझ पाता है. That's why we need the Holy Spirit. और इसी कारण से हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है. So you must depend on the Holy Spirit when you read the Bible in order to understand what you are reading. So जब हम बाइबल को पढ़ते हैं हमें पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर होना चाहिए ताकि हम इन बातों को समझ पाएं. So when you read the Bible, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, before you start, इससे पहले कि हम पढ़ें, you pray. हमें प्रार्थना करना चाहिए. Holy Spirit, पवित्र आत्मा, you are the teacher. आप हमारे शिक्षक हैं. Your word says that He will lead me into your truth. आपका वचन कहता है कि आप हमारी अगुवाई करेंगे दैवीय सत्य के विषय में. So Holy Spirit, so पवित्र आत्मा, I am reading your word. मैं आपके वचन को पढ़ रहा हूँ. You enlighten my mind. आप मेरे मन को प्रकाशन करें. Give me your understanding. आप अपने समझ को हमें दे. That I may understand what I read. ताकि हम समझ नहीं पाए हम जो भी पढ़ रहे हैं. And when you read like that, और जब हम ऐसे पढ़ेंगे, and you depend on the Holy Spirit, और पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर करेंगे, what He reveals to you, what you begin to understand when you read is so exciting. You will just sometimes you in your excitement you jump and shout hallelujah. और जब हम उसको पढ़ेंगे हम जब समझने पाएंगे तो उस इतना रुचिकर हमें लगेगा कि कभी कभी हम चिल्ला उठेंगे हालेलुया. I understand now. अब हम समझ गए हैं. That is only because of the Holy Spirit. और ये सिर्फ पवित्र आत्मा के कारण है. So what are the three revelations? So वो कौन से तीन प्रकाशन है? Revelation. Number one, पहली बात, there is a revelation of the person of Jesus Christ. यीशु मसीह के व्यक्तित्व के विषय में एक प्रकाशन है. Number two, दूसरी बात, there is also a revelation of the purpose for which He came. जिस उद्देश्य के लिए यीशु मसीह संसार में आए हैं उसका एक प्रकाशन है. What is the first revelation? पहला प्रकाशन क्या है? Of the person of Jesus. यीशु मसीह के व्यक्तित्व के विषय में क्या है? There is a revelation of His person. Understand? आप समझ गए? And secondly, और दूसरी बात, there is a revelation of the purpose. और उस उद्देश्य का एक प्रकाशन होता है. The purpose of why Jesus came. और जिस उद्देश्य से यीशु मसीह संसार में आए. Why did He come? यीशु मसीह क्यों आए? And thirdly, और तीसरी बात, what is the program of this person who came from heaven in order to accomplish His purpose? और यीशु मसीह और ये व्यक्ति जो स्वर्ग से आए उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो कौन से कार्य किए? Amen. So let us lift up our hands. So आइए हम अपने हाथों को उठाएं. And close our eyes. अपने आँखों को बंद करें. And say this prayer. और इस प्रार्थना को करें. Holy Spirit. पवित्र आत्मा. Give me understanding. मुझे समझ दे. Everybody say, give me understanding. हर एक व्यक्ति प्रार्थना करे हमें समझ दे. Help me to understand the person of Jesus Christ. हमारी सहायता करे कि हम यीशु मसीह के व्यक्तित्व को समझने पाऊं. And help me understand the purpose for which you came. और मैं समझने पाऊं किस उद्देश्य से आप इस संसार में आए हैं. And help me understand the program through which you will accomplish your purpose. और हम समझने पाए उस कार्य के विषय में जिससे कि आप अपने उद्देश्य को पूरा कर पाएंगे. I am not going to preach a lengthy sermon. और आज मैं कोई लंबा प्रचार नहीं करने जा रहा हूँ. These are very simple truth. ये बहुत साधारण से सत्य है. First, let us think of the person of Jesus Christ. सबसे पहले यीशु मसीह के व्यक्तित्व के विषय में हम देखेंगे. What is the revelation that Peter received? पत्रस को कौन सा प्रकाशन मिला? Verse 16. 16वां पद. Who is Jesus? यीशु कौन है? Jesus Christ is the Son of the Living God. जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है. That is a revelation. यही प्रकाशन है. Jesus Christ, यीशु मसीह, did not begin his life when he was at his birth. यीशु मसीह जब इस संसार में जन्म लिए उस समय उनका जीवन का शुरुआत नहीं हुआ.
You understand that? आप इस बात को समझ गए? He is the eternal God. वो अनंत काल के परमेश्वर है. Okay. In God, in heaven, he was known as the Word. और स्वर्ग में उनको वचन के रूप में जाना जाता था. वचन. यूहन्ना का सुसमाचार chapter 1 verse 1. यूहन्ना पहला अध्याय पहला पद. What does it say? इसमें क्या लिखा है? आदि में वचन था. वचन परमेश्वर के साथ था. वचन परमेश्वर था. ओके, यू अंडरस्टैंड दैट? आदि में वचन था. इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज विथ गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड. आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर. Jesus Christ is the eternal Son of the living God. यीशु मसीह अनंत काल परमेश्वर का पुत्र है. He was known as the Word in heaven. और स्वर्ग में वो वचन के रूप में माना जाता था. And when God created the universes, और जब परमेश्वर ने सारे भूमंडल को रचा, what did he use? परमेश्वर ने क्या इस्तेमाल किया? He used the word. वचन को इस्तेमाल किया. In other words, दूसरे शब्दों में, through everything was created through Christ by him and for him. और जो कुछ भी रचा गया वो परमेश्वर यीशु के द्वारा और यीशु के लिए रचा गया. हालेलुया, हालेलुया. जीसस क्राइस्ट इज द लिविंग वर्ड. यीशु मसीह वो जीवित वचन है. आमेन, आमेन. दैट इज व्हाई द बाइबल इज द रिटन वर्ड. द रिटन वर्ड रिवील्स टू अस द लिविंग वर्ड. और इसलिए बाइबल जो है ये लिखित वचन है और ये लिखित वचन हमें दिखाता है कि जीवित वचन कौन है. एंड नाउ लेट मी टेल यू दिस. और अब मैं आपको बताऊं, The written word is as powerful as the living word. जो लिखित वचन है वो उतना ही सामर्थी है जितना जीवित वचन है. Hallelujah. Hallelujah. That's why you must know the word. और इसी कारण से हमें वचन को जानना जरूरी है. When you pray, let your prayer be filled with God's word. जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे प्रार्थनाओं में परमेश्वर के वचन से भरे जाने चाहिए. Because God must hear His own word from your mouth. क्योंकि परमेश्वर अपने ही वचन को आपके मुंह से सुनना चाहते हैं. And when you are praying for a need, और जब आप किसी आवश्यकता के लिए प्रार्थना करते हैं, whether it is healing or deliverance or provision or any need, चाहे वो चंगाई हो या छुटकारा हो या कोई भी उपाय हो, that prayer must be filled with God's word promising you that God has an answer to your need. और ऐसा प्रार्थना जो है वो परमेश्वर के वचन से भरे जाना चाहिए जो आपको प्रतिज्ञा देता है कि परमेश्वर आपके लिए वो सारे कार्यों को करेगा. For example, उदाहरण के लिए, if you are praying for healing, अगर आप चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, you must know all the promises given in God's word which promises you healing. आपको जानना चाहिए कि परमेश्वर के वचन में कौन से ऐसे प्रतिज्ञा है जो आपको प्रतिज्ञा करते हैं कि आपको चंगाई मिलेगा. Even now there may be someone who needs healing. और इसी समय हो सकता है आप में से कोई ऐसा हो जिनको चंगाई की आवश्यकता है. So when you pray, so जब आप प्रार्थना करते हैं, don't just say Lord heal me, heal me, heal me. सिर्फ इतना ही ना बोलते रहे, प्रभु मुझे चंगाई दे, चंगाई दे, चंगाई दे. Don't even ask somebody else to pray for you. और किसी और से भी ना पूछे कि मेरे लिए प्रार्थना करें. If you are a believer, अगर आप विश्वासी हैं, you are given the right and authority in the name of Jesus to go to God directly and ask God. आपको वो अधिकार दिया गया है कि आप सीधे परमेश्वर के पास जा सकते हैं और मांग सकते हैं उस चंगाई के लिए. And when you go, और जब आप जाते हैं, you pray like this. आप इस प्रकार प्रार्थना करें, Lord, you have promised me. प्रभु आपने ये प्रतिज्ञा किया है, that you send forth your word and heal your people. कि आप अपने वचन को भेजकर अपने लोगों को चंगाई देते हैं. Hallelujah. Hallelujah.
And Lord, your word says, और प्रभु आपका वचन कहता है, through your stripes I am healed. कि आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ. By your stripes. आपके कोड़े खाने से. Jesus died and he broke his body and shed his blood. यीशु मसीह मरे, अपने देह को तोड़ दिया और अपने लहू को बहाया. The greatest purpose is to deliver us from the power of sin and Satan and death. And give us eternal life. और सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि पाप के ताकत से हमें छुड़ा ले, हमें क्षमा कर दे और हमें अनंत जीवन दे. There is a secondary purpose. और फिर दूसरा एक उद्देश्य है. By giving his sinless, perfect body. अपने पाप रहित और शुद्ध देह को देते हुए. To be broken on the cross. ताकि उसको क्रूस पर तोड़ा जाए. It was also to bring healing to your own body. उद्देश्य यही था कि आपके देह को चंगाई प्राप्त हो. Hallelujah! Hallelujah! By his stripes, यीशु के कोड़े खाने से, we are healed spiritually. हम आत्मिक रीति से चंगाई प्राप्त करते हैं. We are also healed physically. और शारीरिक रूप से भी हम चंगाई प्राप्त करते हैं. So claim that promise. तो उस प्रतिज्ञा को आप मांग ले. The people sitting here who needs your healing. और बहुत से लोग हैं जिनको चंगाई की आवश्यकता है. If you are a child of God, अगर आप परमेश्वर के संतान हैं, you can be healed right now. इसी समय आप उस चंगाई को प्राप्त कर सकते हैं. If you stand on God's promise. अगर आप परमेश्वर के प्रतिज्ञा पर खड़े हो जाएंगे. God's promise is, परमेश्वर का प्रतिज्ञा कहता है, that he sends forth his word. कि वो अपने वचन को भेजता है. Who is his word? और उसका वचन कौन है? Jesus the Son. यीशु जो परमेश्वर का पुत्र है. वही वचन है. So the healing is in that word. So चंगाई जो है उसी वचन में है. The healing is in Jesus. वो चंगाई जो है यीशु मसीह में है. That's why in the name of Jesus. और इसी कारण से यीशु मसीह के नाम से you can claim your healing. आप उस चंगाई को मांग सकते हैं. Close your eyes. अपने आंखों को बंद करें. Close your eyes. अपने आंखों को बंद करें. Right now. इसी समय you speak these words. आप इन शब्दों को कहें. Lord Jesus. प्रभु यीशु. I am standing on your promise. मैं आपके प्रतिज्ञा के ऊपर खड़ा होता हूं. Because your promise says, क्योंकि आपका प्रतिज्ञा कहता है, by your stripes, आपके कोड़े खाने से, I am healed. मैं चंगा हो चुका हूं. I am healed. मैं चंगा हो चुका हूं. I am healed. मैं चंगा हो चुका हूं. By your stripes, आपके कोड़े खाने से, I am healed. मैं चंगा हो गया हूं. In the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम से, I am healed. मैं चंगा हो गया हूं. It doesn't matter how old your sickness is. और इससे कोई मायने नहीं रखता कितना पुराना आपका बीमारी है. It doesn't matter how serious your sickness. और मायने नहीं रखता कितना गंभीर आपका बीमारी है. Jesus is never afraid. यीशु मसीह डरता नहीं है. His healing is for you. यीशु का चंगाई आपके लिए है. So Lord, so प्रभु, thank you for sending forth your word. धन्यवाद कि आपने अपने वचन को भेजा. And the Bible also says, और बाइबल ये भी कहती है, when God sends forth his word, जब परमेश्वर अपने वचन को भेजता है, his word shall not return to him void. यीशु मसीह का वचन वापस खाली नहीं लौटता है. Hallelujah! 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 When God sends forth his word of healing to जब you, जब परमेश्वर अपने चंगाई के वचन को भेजता है, it will not return to God empty. वो वापस परमेश्वर के पास खाली नहीं लौटता है. The word will accomplish the purpose for which the word was sent. और जिस वचन को भेजा गया था, वो वचन अपने उद्देश्य को पूरा करता है. The word was sent forth for your healing. ये वचन भेजा गया आपके चंगाई के लिए. That word will not return to God empty. और वो वचन वापस परमेश्वर के पास खाली नहीं लौटेगा. The word will accomplish. वो वचन अपने कार्य को पूरा करेगा. The word will bring healing. वो वचन चंगाई को लाएगा. The word will bring deliverance. वचन छुटकारे को लाएगा. The word will make you whole. और वचन आपको पूर्ण करेगा. Hallelujah. Hallelujah. Lift up our hands and praise the Lord. आइए अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की स्तुति करें. It is for you. ये चंगाई आपके लिए है. It is for everyone. ये हरेक के लिए है. Because he loves you. क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है. He wants you to be healthy. परमेश्वर चाहता है कि आप स्वस्थ हो जाएं. Amen. Hallelujah. Here is the revelation. ये वो प्रकाशन है. Jesus Christ. यीशु मसीह. He is the Son of the Living God. वो जीवित परमेश्वर का पुत्र है. He was with God. वो परमेश्वर के संग था. He was in the beginning. आदि में वो था. And he was God. और वो परमेश्वर था. Hallelujah. So today. So आज. In heaven. स्वर्ग में. See, until Jesus was born.
और जब तक यीशु मसीह इस संसार में पैदा हुए, in heaven there was only divinity, only God. स्वर्ग में सिर्फ त्रिएक परमेश्वर थे, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा, the triune God. त्रिएक परमेश्वर. No human being. कोई मनुष्य नहीं था. Then he created angels. और परमेश्वर ने फिर स्वर्गदूतों को बनाया टू ओबे हिज कमांड्स, ताकि उनके आज्ञाओं को पालन करे. दैट्स ऑल, बस सिर्फ इतना ही. बट व्हेन जीसस वाज बोर्न, लेकिन जब यीशु मसीह पैदा हुए संसार में, डाउन टू दिस अर्थ, और इस संसार में आए, ही हैड सो मेनी नेम्स. यीशु के बहुत नाम थे. वन ऑफ हिज नेम्स इज इमैनुअल, और उनमें से एक नाम इमैनुअल है. वो क्या मतलब है इसका, इसका क्या अर्थ है? परमेश्वर हमारे हमारे साथ. हालेलुया, हालेलुया. द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट मींस गॉड कमिंग डाउन इन द फ्लैश टू बी विथ अस. और यीशु मसीह का जन्म होने का अर्थ यही है कि परमेश्वर मनुष्य बन गया ताकि हमारे संग रहे, टू बी अमंग अस, ताकि हमारे बीच में रहे. दिस मॉर्निंग, आज की सुबह, as we gather here in his name, जबकि हम यीशु मसीह के नाम में इकट्ठे हुए हैं, who is with us, कौन हमारे मध्य में है? Jesus Christ, यीशु मसीह स्वयं. who is amongst us, कौन हमारे मध्य में है? Jesus Christ is amongst us, यीशु मसीह हमारे बीच में है. my friends, don't miss his presence, मेरे भाइयों, उसके उपस्थिति को खोए ना. you be serious about the fact that God is here with me. और इस बात को लेकर आप गंभीर हो जाए कि परमेश्वर यहाँ पर मौजूद है. Let everyone say, God is with me. हर एक जन कहे, परमेश्वर मेरे संग है. He, if he is with you, अगर परमेश्वर आपके संग है, who can be against you? तो फिर आपके विरोध कौन हो सकता है? Amen. Amen. He is with you. अगर परमेश्वर आपके साथ है, What can man do to you? तो फिर मनुष्य आपके विरोध में क्या कर सकता है? Is God is for you, brother. और भाई, अगर परमेश्वर आपके लिए है, What can your sickness do तो फिर आपका बीमारी क्या कर सकता है आपको? Nothing. कुछ नहीं. Hallelujah. Amen. God is with you. परमेश्वर आपके साथ है. God is for you. परमेश्वर आपके लिए है. Who can be against you? कौन आपके विरोध में जा सकता है? Hallelujah. Hallelujah. God is with you. परमेश्वर आपके संग है. Then what can man do? तो फिर मनुष्य क्या कर सकता है? Man cannot do anything. मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता है. The worst he can do is, सबसे ज्यादा बुरा काम वो कर सकता है, kill my body. मेरे शरीर को मार सकता है. He cannot do anything more than that. उससे बढ़कर कुछ नहीं कर सकता है. Hallelujah. There was a husband and wife. और एक पति पत्नी थे. Old people. बहुत बुजुर्ग लोग थे. And his husband was a drunkard from his young age. बुजुर्ग जो वो पति जो था वो जवानी से ही वो शराबी था. Hallelujah. I told this illustration some time ago. और इस बात को मैंने कुछ समय पहले भी बताया था. And this man got so irritated by his wife because she was a very, very godly woman who never misses the church. और ये पति जो है अपने पत्नी से इतना परेशान हो गया क्योंकि वो कभी भी चर्च जाना नहीं छोड़ती थी. And this fellow coming back home drunk. और ये आदमी हमेशा पीकर घर आता था. Seeing his saintly wife. और अपने संत जैसे पत्नी को देखकर, one Sunday he became very angry. एक रविवार को वो बहुत गुस्से में हो गया. And he said, today I am going to do something so that my wife will not leave. और इस बात को कहा, आज मैं कुछ ऐसा करूंगा कि मेरी पत्नी आज चर्च नहीं जाएगी. So while she was dressing up, so जबकि वो तैयार हो रही थी, this fellow took out his gun. इस आदमी ने अपने बंदूक को निकाला. And after dressing up with the Bible in her hand. और फिर तैयार होने के बाद वो पत्नी अपने बाइबल को लेकर came to the door, entrance door. वो उस घर के द्वार पर आई. As she was trying to get out, और जब वो बाहर जाने की कोशिश कर रही थी, this husband was standing there with the gun. ये आदमी खड़ा हो गया सामने बंदूक लेकर. He said, "Today, let me see how you will." कहने लगा, आज मैं देखता हूँ तुम कैसे जाती हो. Let me. Come on, go. जाओ. And then she said, "I will go." पत्नी ने बोला, मैं तो जाऊंगी. If I shoot you. अगर मैं तुम्हें गोली मार दूं तो will you go to church? क्या तुम कलीसिया जा पाओगे? And you know what she said? आप जानते हैं उन्होंने क्या कहा?
If you shoot me, अगर तुम गोली मार दोगे, I will go to heaven. मैं सीधे स्वर्ग चली जाऊंगी. If you don't shoot me, अगर मुझे गोली नहीं मारोगे, I'll go to church. मैं कलीसिया जाऊंगी. It doesn't make any difference. कोई फर्क नहीं पड़ता है. Hallelujah. Hallelujah. That is our life. यही हमारा जीवन है. That is our life. यही हमारा जीवन है. We are not afraid of death. हम मृत्यु से नहीं डरते हैं. Because death means being with God. क्योंकि मृत्यु का अर्थ यही है कि हम सिर्फ परमेश्वर के पास चले जाएंगे. We don't die. हम मरते नहीं हैं. Only this earthly body will die. This body must perish also. और ये शरीर मर जाएगा. ये शरीर एक दिन नाश होना ही है. This body is made of मिट्टी. ये शरीर जो है मिट्टी से बना हुआ है. It will go back to मिट्टी. वापस मिट्टी में ही मिल जाएगा. I have a glorified resurrected body waiting for me. लेकिन तब मुझे एक महिमा में एक शरीर मिलेगा. Hallelujah. No pain will enter into that body. और कोई दर्द उस शरीर में नहीं प्रवेश करेगा. कोई बीमारी उसमें नहीं जाएगा. No exhaustion will enter into that body. कोई थकावट उसमें नहीं जाएगा. No tiredness will get. कोई थकावट नहीं जाएगा. No death can enter into that body. कोई मृत्यु उस शरीर में प्रवेश नहीं करेगा. Resurrection body. पुनरुत्थान किया हुआ शरीर. You have this hope. क्या आपके पास ये आशा है? You have your hope. Shout hallelujah. अगर आपके पास ये आशा है, चिल्लाए Hallelujah! Lift up your hands. अपने हाथों को उठाए. Come on, give God the praise. परमेश्वर को महिमा दे. Hallelujah! But as long as God wants you to live in this world, और जब तक परमेश्वर चाहेंगे कि आप इस संसार में रहें, no power on earth can kill you. कोई भी ताकत इस संसार में आपको मार नहीं सकता है. But when God's time comes, लेकिन जब परमेश्वर का समय आएगा, we will die. आप मर जाएंगे. No problem. कोई समस्या नहीं. John the disciple, यहुन्ना जो चेला था, to whom God has given a revelation, जिनको परमेश्वर ने ये महान प्रकाशन दिया. The Roman emperor, the Roman government wanted to kill him somehow. और जो रोमी शासन था वो किसी तरह उसको मारना चाहते थे. Say they put him in boiling oil. और उन्होंने क्या किया, उबलते हुए तेल में यहुन्ना को डाल दिया. You know, this big, big burden. और बहुत बड़े बर्तन में they boiled oil. तेल को डाला, उसको उबाला. And put John the disciple. उसके बाद यहुन्ना को डाल दिया. As soon as he touched the oil, और जब उसका शरीर जो है उस तेल को छुआ, the oil was turned into cold water. वो तेल जो है एकदम ठंडा पड़ गया. Hallelujah. Do you think it can happen? क्या आप सोचते हैं कि ऐसा हो सकता है? What was the first miracle Jesus did? पहला चमत्कार यीशु मसीह ने क्या किया? He turned the water into wine. पानी को दाखरस में बदल दिया. If Jesus could do that, अगर यीशु मसीह ऐसा कर सकते हैं, Hallelujah. Hallelujah. He can turn a boiling oil into cold water. तो उबलते हुए तेल को वो ठंडा पानी में बदल सकते हैं. He can turn the wine into water also. और दाखरस को भी पानी में बदल सकते हैं. Our God is हमारा परमेश्वर is with us. हमारे संग है. Amen. Amen. Is the Son of the Living God. जीवित परमेश्वर का पुत्र. Eternal. अनंत काल. When he came as a man. जब वो मनुष्य के रूप में आए. That means God with men. इसका अर्थ परमेश्वर मनुष्य के संग. Then he died. तब वो मरे. He rose again. वो फिर से जी उठे. And after 40 days. 40 दिनों के बाद. He went back to heaven. वो वापस फिर स्वर्ग चले गए. How did he go? वो कैसे गए? When he went back, जब यीशु मसीह वापस लौटे, he was perfect God, वो सिद्ध परमेश्वर थे, and also perfect man, और सिद्ध मनुष्य भी, and the Bible says, और बाइबल कहती है, God seated him at his own right hand, परमेश्वर ने यीशु मसीह को अपने दाहिनी ओर बिठाया, so today, so आज, because Jesus died and rose again and ascended into heaven. क्योंकि यीशु मसीह मरे, फिर से जी उठे और फिर स्वर्ग वापस चले गए. We have a man with God. हमारे पास एक मनुष्य है जो परमेश्वर के साथ है. Hallelujah. Hallelujah.
When Jesus was born, जब यीशु मसीह पैदा हुए, God was with man. परमेश्वर मनुष्य के संग था. When Jesus went back, लेकिन जब यीशु मसीह वापस स्वर्ग चले गए, man with God. अब वहाँ पर एक मनुष्य है परमेश्वर के साथ. Hallelujah. Hallelujah. A man who understands every aspect of human life. एक ऐसा मनुष्य जो जीवन के हर एक पहलू को समझता है. He understands that you are human being. वो समझता है कि आप एक मनुष्य है. He understands you are weak. वो समझता है कि आप कमजोर हैं. When you are afraid. जब आप डरते हैं. When you are lonely. जब आप अकेले हैं. He understands. वो समझता है. When you are tempted. जब आपका परीक्षा होता है. He understands. वो समझता है. When you are misunderstood. और जब आपको गलत समझा जाता He है understands. वो समझते हैं. When people criticize you. जब लोग आपके आलोचना करते He हैं understands. परमेश्वर उसको समझता है. When nobody cares. जब कोई चिंता भी नहीं करता है, He understands. परमेश्वर समझता है. He was tempted in every temptation that any man would. और यीशु मसीह को हर एक परीक्षा से गुजरना पड़ा जो मनुष्य गुजरता है. So he understands. So परमेश्वर समझते हैं. So there is a man with God who understands. So आज एक मनुष्य है जो परमेश्वर के साथ है, जो मनुष्य को समझता है. That's why he is able to sympathize. और इसी कारण से वो आपके साथ वो रहता है. How much excited you should be about this God, your Savior. और इस परमेश्वर, ये परमेश्वर जो आपका उद्धार करता है, इसके विषय में आपको कितना आनंदित होना चाहिए. Are you happy? क्या आप खुश हैं? Are you excited? क्या आप आनंदित हैं? Let us shout hallelujah! Hallelujah! This God is with us. ये परमेश्वर हमारे संग है. This man is with God. ये मनुष्य परमेश्वर के साथ है. To represent all of us. और हम सबको वहाँ पर प्रतिनिधित्व करने के लिए. So to intercede for all of us. और हम में से हर एक के लिए मध्यस्थता करने के लिए. Hallelujah. Hallelujah. He is the Son of the Living God. जीवित परमेश्वर का पुत्र. Why should I be afraid? तो फिर मैं क्यों डरूं? Why should I worry? मैं क्यों चिंता करूं? There is no need. कोई जरूरत नहीं है. Have you found this Savior to be your Savior and Lord? क्या आपने इस उद्धारकर्ता को पाया है कि आपका उद्धारकर्ता बने? He wants to be your Lord. वो आपका प्रभु बनना चाहते हैं. Your friend. आपका मित्र बनना चाहते हैं. Your Savior. आपका उद्धारकर्ता बनना चाहते हैं. Your Deliverer. आपका छुटकारा देने वाला. He is our hope. वो हमारा आशा है. He is our joy. वो हमारा आनंद है. He is our life. वो हमारा जीवन है. He is our assurance. वो हमारा निश्चय है. Praise God. Hallelujah. He is everything. वो सब कुछ हमारे लिए है. He is our bell. He is our strength. वो हमारा बल है. My strength is in him. मेरा ताकत यीशु मसीह में ही है. And when I am weak, और जब मैं कमजोर हूँ, his strength is made perfect. उसका ताकत वो सिद्ध हो जाता है. Praise the Lord. Hallelujah. That's why we are still alive. और इसलिए आज हम अभी भी जीवित हैं. Amen. Amen. Are you happy? क्या आप खुश हैं? How many of you want to surrender yourself to this lordship of Jesus? और आप में से कितने लोग अपने जीवन को समर्पित करना चाहते हैं यीशु मसीह के प्रभुता के अधीन में? We have been hearing and hearing week after week. और प्रति सप्ताह हम इसको सुनते रहते हैं. But have you ever surrendered your life? लेकिन क्या आपने कभी भी अपने जीवन को समर्पित किया है? If you have not yet. अगर आज तक आपने नहीं किया है. Friends, Do not postpone. मेरे मित्र इसको टाले नहीं. Time is very short. क्योंकि समय बहुत सीमित है. Today you are alive. आज आप जीवित हैं. We don't know about tomorrow. हम कल के विषय में कुछ नहीं जानते हैं. But why you are still alive? लेकिन जब तक आप जीवित हैं. This is the only opportunity you have. यही एक अवसर है आपके लिए. To be reconciled with God and receive eternal life. कि आप परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर ले. Like that old woman. उस बुजुर्ग स्त्री के तरह. She had no fear of death. उनका मृत्यु के विषय में कोई डर नहीं था. If she dies, अगर वो मरे, she knew where she was. वो जानती थी वो कहाँ जाएगी. Do you know where your soul? क्या आप जानते हैं कि आपका प्राण कहाँ जाएगा? Where will you spend your eternity? आप अपने अनंत काल के जीवन को कहाँ बिताएंगे? The opportunity is given to you only in this life.
क्योंकि अवसर सिर्फ आपको इसी जीवन में मिलेगा. And once this life is gone, एक बार ये जीवन चला जाएगा, your soul will enter into eternity. तो फिर आपका प्राण जो है अनंत काल के जीवन में प्रवेश करेगा. But which eternity? लेकिन कौन सा अनंत काल? Let it be eternal heaven. होने पाए ये अनंत काल का स्वर्ग हो. Not eternal hell. अनंत काल का नरक नहीं. Where the fire will never quench. जहाँ वो आग कभी नहीं बुझेगा. The worms will never die. जहाँ वो कीड़े कभी मरेंगे नहीं. Jesus loved you so much. यीशु मसीह ने आपसे इतना प्रेम किया. That he paid the price for your salvation. कि यीशु मसीह ने आपके मोक्ष के लिए वो कीमत को चुकाया. By dying for you. ताकि आपके लिए वो मरे. I want all of you to stand. आइए हम सब खड़े हो जाएं. I will speak next Sunday the other two per revelation. और बाकी दो प्रकाशन हम अगले रविवार को देखेंगे. But this first revelation is the most important. लेकिन ये पहला प्रकाशन जो है सबसे जरूरी है. For your sake. आपके लिए. For my sake. मेरे लिए. God came down in the flesh. परमेश्वर इस संसार में आया, एक मनुष्य बन गया. That is Christ. Birth. यही मसीह का जन्म है. In that baby in Bethlehem's manger. Bethlehem में और वो बच्चा जो जन्मा. It was God coming down in the flesh. ये वो परमेश्वर था जो मनुष्य बन गया. In order mankind may be lifted up to God. ताकि मनुष्य जो है वो ऊपर उठाया जाए परमेश्वर के पास. Do you want to acknowledge this Savior? क्या आप इस उद्धारकर्ता को अंगीकार करना चाहते हैं? And this morning before you leave, आज की सुबह इससे पहले कि आप बाहर जाएं, say, Lord Jesus, कहें, प्रभु यीशु, here is my life, मेरा जीवन मैं आपको सौंपता हूं. I am without hope, मेरे पास कोई आशा नहीं है. You alone can fill me with hope. लेकिन आप ही मुझे उस आशा से भर सकते हैं. I am without the assurance of eternal life. मेरे पास अनंत जीवन का कोई निश्चय नहीं है. If I die today, अगर आज मैं मरूं, I know that I will go to eternal hell. मैं जानता हूं मैं अनंत काल के नरक में जाऊंगा. But Lord Jesus, लेकिन प्रभु यीशु, you came down to be my Lord and Savior. आप मेरे उद्धारकर्ता और प्रभु बनने के लिए संसार में आए. I open my heart to you. मैं अपने हृदय को खोलता हूं आपके सामने. Come, Lord Jesus. आइए प्रभु यीशु, make your abode in my heart. और अपना रहने का स्थान मेरे हृदय में आप बना दें. Holy Spirit, पवित्र आत्मा, help me experience this salvation. होने पाए कि हम इस उद्धार को अनुभव करने पाए. Will you pray that prayer? क्या ऐसा प्रार्थना आप करेंगे? Lift up our hands to God. अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए. Hallelujah. 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 I love you, Lord Jesus. प्रभु यीशु, हम आपसे प्रेम करते हैं. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Jesus. I pray for all the men and women standing before. प्रभु यीशु, हर एक पुरुष और स्त्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं. You know the heart that is crying out, Lord Jesus, come into my heart. और आप हर एक हृदय के पुकार को आप सुन रहे हैं, जो पुकार रहा है, प्रभु यीशु, आप मेरे हृदय में आ जाए. यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन. यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन. हम गाए हो साना, तू राजा हो का हे राजा, तेरी महिमा आवे सदा. तू है प्रभु हमारा खुदा.
परमेश्वर को स्तुति आराधना करिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ महान परमेश्वर, स्तुति आराधना का योग्य परमेश्वर, तमाम आदर और महिमा का योग्य परमेश्वर, धन्यवाद स्तुति और आराधना हम तुझको देते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तू महान परमेश्वर, पवित्र 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 परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। My friends, मेरे मित्रों, don't sleep today until you make sure that you have acknowledged Christ and surrendered yourself to this Lord Jesus Christ. और जब तक आप यीशु मसीह को मान नहीं लेते हैं और अपने जीवन को समर्पित नहीं कर लेते हैं प्रभु यीशु मसीह के अधीनता में, आप सोने ना चाहे। And then begin to live a life that is pleasing to him by reading the Bible and obeying what you read। और फिर एक ऐसे जीवन को व्यतीत करें जो आप बाइबल को पढ़ते हैं उसके आज्ञा को मानते हुए और यीशु मसीह के आज्ञाओं को मानते हुए। Worship him, यीशु मसीह की आराधना करें, उसकी सेवा करें। Your life is very precious, आपका जीवन बहुत बहुमूल्य है। Don't waste your life, अपने जीवन को बर्बाद ना करें। Life is a waste unless this creator God himself come into your life and take control of you। और ये जीवन बर्बाद है जब तक कि यीशु मसीह आपके जीवन में नहीं आता है, आपके जीवन को नियंत्रण में नहीं ले लेता है। He fills you with meaning and purpose, क्योंकि यीशु मसीह ही आपके जीवन को अर्थ से भर देता है। Then you begin to understand the purpose of life, और तब आप समझने लगते हैं कि ये जीवन का उद्देश्य क्या है। The purpose is only to please God, क्योंकि ये उद्देश्य यही है कि आप परमेश्वर को प्रसन्न करें and serve him, और उसी की सेवा करें। So that after the life of this world, ताकि इस संसार में जो हमारा जीवन है उसके बाद, you know, you have an eternal life, आप इस बात का निश्चय रखेंगे कि आपका एक अनंत काल का जीवन है यीशु मसीह के साथ। Prepare for that life, आप उसी जीवन के लिए तैयारी करें। That is your real life, यही आपका वास्तविक जीवन है। This life is temporary, ये जीवन जो है ये कुछ दिनों के लिए है। And this life is given to you so that you may prepare for it। और ये जीवन संसार में आपको इसलिए दिया गया है ताकि आप उस अनंत काल के जीवन के लिए तैयारी करें। My friends, it is not religion, ये कोई धर्म नहीं है। It is a relationship you will enter in with a real, ये एक रिश्ता है जिसमें आप जुड़ते हैं वो जीवित परमेश्वर के साथ। ये परमेश्वर जो आपसे बहुत प्यार करता है, आपको बहुत प्यार करता है, कि परमेश्वर ने अपने ही पुत्र को भेज दिया। यीशु मसीह आए, आपके लिए मरे, और उस बलिदान के द्वारा यीशु मसीह हम तक उस अनंत जीवन को लाए। So इसको तिरस्कार ना करे, इस जीवन को। This is the only way of salvation, यही वो मार्ग है उद्धार का। God bless you, परमेश्वर आप सबों को आशीष दे, as you make this decision, जबकि आप ये निर्णय को लेते।